स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। हरियाणा के नूह में फैली हिंसा से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। नूह रोड में अलवर अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीर कैद हुई है, ये देखिए, वीडियो में हिंसा फैलाने वाले साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए कैसे मुंह को रुमाल से ढककर अस्पताल में तोड़फोड़ की कोशिश की जा रही है। अस्पताल के बाहर खड़ी गाड़ी को सड़क पर धक्का देकर ले जा रहे हैं। इसके बाद गाड़ी में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इसके अलावा एक घर का सीसीटीवी भी है जहां पथराव करते हुए दंगाई कैद हुए हैं। यानी कि किस तरीके से कल नूह में जो सांप्रदायिक हिंसा की बात सामने आई है, क्या वो हिंसा फैलाई गई है, ये इस सीसीटीवी के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। मेरे ठीक पीछे अलवर नूह रोड का ये अलवर अस्पताल है जहां पर कल दोपहर को एक भीड़ ने हमला किया। बाकायदा अस्पताल के तमाम शीशों को तोड़ा गया, अस्पताल के अंदर वो भीड़ घुसी और ये पूरी घटना यहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई। लेकिन जो दंगाई थे उन्होंने बाकायदा कैमरों को तोड़ा। यहां पर एक कैमरा लगा हुआ था सीसीटीवी का, उसको तोड़ा गया। दूसरा कैमरा देखिए हॉस्पिटल के दूसरी तरफ है, वहाँ से कई तस्वीरें कैद हुई हैं कि किस तरीके से मुँह को कवर करके चारों तरफ से मुँह ढककर यहाँ पर एक भीड़ पहुँची। और पहले यहाँ पर सड़क पर जो गाड़ी खड़ी हुई थी, ठीक इस पोल के पास एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिसे धकेल कर उस भीड़ ने बाकायदा सड़क पर पहुंचाया। पहले उस गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और उसके बाद उस गाड़ी में आग लगाई गई। तो यानी कि जिस तरीके से पूरी भीड़ यहां पर पहुंची और जिस तरीके से पूरी तोड़फोड़ को अंजाम दिया, वो तस्वीरें साफ दिखा रही है। सीसीटीवी में ये तमाम तस्वीरें कैद हुई हैं और वो तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से प्री प्लान्ड तरीके से जो भीड़ थी योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही थी और जो भी उसके सामने आ रहा था उसको तोड़ा जा रहा था, उसको जलाया जा रहा था। और ये अलवर हॉस्पिटल मेन रोड पर पड़ता है, नूह और अलवर की मेन रोड है, इसी रोड पर ये अलवर अस्पताल है और इस रोड पर करीब 2 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है जहां पर सड़क पर जगह जगह तोड़फोड़ की गई और जो भीड़ थी उन्होंने बाकायदा अपने चेहरे छुपाए हुए थे। और ये अब तमाम इलाके की जो सीसीटीवी फुटेज है उनको पुलिस खंगाल रही है और तमाम हमलावरों की पहचान की जा रही है और उसके बाद लगातार धरपकड़ भी की जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार होंगे उन्हें किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। ज्ञान सिंह कलिकान के साथ विमल कौशिक, न्यूज 24 नूह अलवर रोड में बात। इस वक्त मैं मौजूद हूं नूह के उसी नलड़ महादेव मंदिर के बाहर जहां पर कल दोपहर शोभा यात्रा पहुंची थी और उसमें करीब 2500 से 3000 लोग शामिल थे, जिसके बाद यहां पर जबरदस्त उपद्रव हुआ। चारों तरफ जो आप इलाका देख रहे हैं, देखिए चारों तरफ पहाड़ है। ये जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने चारों तरफ से पथराव शुरू कर दिया। इस तरह के लाठी डंडे लोगों ने हाथ में ले रखे थे। ये तमाम तस्वीरें कल जो यहाँ से पहुँच रही थी, दोपहर के बाद लगातार ये पूरा माहौल ख़राब होना शुरू हुआ। दोपहर जो नलड़ चौक है यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर, वहाँ से शुरुआत हुई। जब शोभा यात्रा वहाँ से आगे बढ़ी, पहले वहाँ पर पथराव हुआ और उसके बाद आगजनी शुरू हुई और ये बढ़ते बढ़ते सीधे इस, क्योंकि शोभा यात्रा यहाँ मंदिर पर पहुँची तो यहाँ पर भी भीड़ ने, उपद्रवियों की भीड़ ने हमला कर दिया कि अभी भी यहां पर बड़ी संख्या में चारों तरफ पत्थर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहां ये कहेंगे कि कई घंटों तक लोग दहशत में फंसे रहे, यही सोचते रहे कि कैसे बाहर निकले, क्योंकि चारों तरफ आप देखिए चारों तरफ पहाड़ हैं, खेत हैं, सुनसान इलाका है। और यहाँ से मेन रोड पर जितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उन गाड़ियों में आगजनी की गई। यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर वो इलाका है जहाँ पर कई गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उनमें आगजनी की गई, उनमें तोड़फोड़ की गई। और ये करीब पूरा जो तांडव है या ये कहें दहशत का नंगा नाच कम से कम भी तो 3 से 4 घंटे यहाँ पर चलता रहा। लोगों ने ये पूरी दहशत को ना सिर्फ देखा बल्कि झेला। इस मंदिर के अंदर कई लोग थे जो घंटों फंसे रहे, जिसके बाद लगातार प्रशासन से मदद की गुहार लगाई जाती रही और प्रशासन की तरफ से जब तक फोर्स भेजी गई तब तक 3 से 4 घंटे लोगों ने उस दहशत के माहौल में अपना दिन गुजारा। और फिलहाल अभी यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, पूरे इलाके में हैवी फोर्स डिप्लॉय की गई है, चाहे नलड़ चौक हो चाहे पूरा नूह इलाका हो, जगह जगह लगातार गश्त की जा रही। जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर लगातार नज़र रखी जा रही, सोशल मीडिया को लेकर सख्त हिदायत दी गई है और साथ ही साथ इंटरनेट को पूरी तरह से बैन किया गया है। लेकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द हालात सामान्य हो सकें। लेकिन अब पूरे मामले में कई ऐसी जो
ये कहें कि पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही है कि जब ये पूरी शोभा यात्रा के लिए पहले से एक रूट तय किया गया था, पहले से तमाम चीज़ें तय थी, पुलिस की जानकारी में थी शोभा यात्रा, उसके बावजूद किस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर उस दौरान हिंसा हुई, किस तरीके से बड़े पैमाने पर जिस तरह की बातें आ रही कि लगातार गोलियां चलाई गई, कई राउंड गोलियां चलाई गई, कई लोग इस पूरी घटना में घायल है, 3 लोगों की मौत की अभी तक पुष्टि हो चुकी है। और अब इस पूरे संबंध में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो होगी, लेकिन एक सवाल पुलिस पर भी है कि कैसे ये पूरा इंटेलिजेंस फेलियर था, क्या पुलिस को इस तरह की कोई जानकारी नहीं लगी, इस तरह की कोई भनक नहीं लगी कि कोई इस तरह से हिंसा को प्लान किया जा रहा है, या फिर ये फिर एक अचानक से हुई घटना थी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ गिरफ्तारियां इसमें सामने देखने को मिले। कलिकांत के साथ विमल कौशिक, News24, नू, मेवात। हरियाणा के नू और मेवात में कल दोपहर से जो हिंसा भड़की, जिसके बाद पूरे इलाके में जबरदस्त पुलिस बल को तैनात किया गया और हरियाणा के अलग अलग जिलों से पुलिस बल को यहां बुलाया गया। देखिए, नू की पुलिस लाइन ही आप देख रहे हैं और यहां पर आप डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं कि कितना हैवी पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, जो लगातार इस पूरे इलाके में, अगर बात करें सोहना से लेकर नू तक के क्षेत्र की बात करें तो करीब ये 10 किलोमीटर का एरिया है जो काफ़ी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहीं पर जिस तरीके से हिंसा शुरू हुई, जिसकी चिंगारी सोहना तक पहुंची और देखते ही देखते पूरे इलाके में ज़बरदस्त हिंसा भड़की, कई राउंड फायरिंग की खबरें हैं और इस घटना में अब तक 2 लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं, 2 होमगार्ड के जवान हैं जो शहीद हुए हैं, इसके अलावा दर्जनों लोग घायल हैं। फिलहाल अब पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच तो शुरू की है, साथ ही साथ धरपकड़ भी शुरू की गई है। अगर बात करें न केवल गुरुग्राम बल्कि आसपास के जो ज़िले हैं, रोहतक, रेवाड़ी, वहां से भी पुलिस को भेजा गया है, पुलिस की टीमें डिप्लॉय की गई हैं। इस पूरे 10 किलोमीटर के रेडियस में लगातार पुलिस की टीमें गश्त कर रही हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द हालात को सामान्य बनाया जा सके और हर किसी संदिग्ध शख्स पर नज़र रखी जा रही है, हर सोशल मीडिया अकाउंट पर नज़र रखी जा रही है। हालांकि पूरे इलाके में इंटरनेट को बैन कर दिया गया, इंटरनेट यहां पर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है कि किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान ना दें और अगर कोई भी शख्स उन्हें लगता है कि वो मामले को ख़राब कर रहा है या फिर किसी तरह की अफवाहें फैला रहा है तो उस बारे में भी पुलिस को जानकारी दें। तो लिहाजा मैं आपको यही बताऊँगा कि देखिए, तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इस पुलिस लाइन में इस वक्त भी पुलिस है और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में लगातार जो है वो हिंसा धीरे धीरे भड़कने चले गए, एक जगह से शुरू हुई और उसके बाद पूरे एरिए में ऐसी कई जगह से घटनाएं हैं जहां पर पथराव हुआ, गोलियां चलाई गई, आगजनी की गई, तो इसको लेकर इलाके के लोगों में बहुत ज़्यादा दहशत है, जिसके चलते हैवी जो है डिप्लॉयमेंट अभी भी यहाँ पर नज़र आ रहा है और पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द हालात को सामान्य बनाया जा सके और एक बार फिर से स्थिति नॉर्मल की जा सके। कलिकांत के साथ विमल कौशिक, News24, नू, मेवात, हरियाणा। नू में आगजनी की घटना को लगभग 24 घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी भी सड़क से निकलता हुआ धुआं अपने आप ये कहानी बयां कर रहा है कि यहां मंजर क्या रहा होगा। ये नू का मलड़ महादेव वाला इलाका है जहां पर हिंसा बहुत तेजी से भड़की और इतनी भड़की कि 4 घंटे तक लोग दहशत में फंसे रहे। ठीक मेरे पीछे की सड़क ये आपको अपने आप तस्वीर दिखा रही है कि किस तरीके से यहां पर दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, पत्थर, लाठी, डंडे, ईंट, हर चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई। अपने आप ये तस्वीरें ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि आखिर दहशत का वो माहौल किस तरीके से रहा होगा। अभी भी जो गाड़ी के जले हुए पार्ट्स हैं वहाँ से धुआं निकल रहा है, कहीं टूटे हुए शीशे पड़े हैं, कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, कहीं ईंटें पड़ी हैं, कहीं पत्थर पड़े हैं और देखिए किस तरीके से पूरी सड़क जो है उसका रंग पूरी तरीके से काला हो चुका है। और ये पास में ही गांव है, यहाँ के लोगों ने भी वो किस तरीके से दहशत में कई घंटे गुजारे हैं। कल ये तस्वीर बेहद डरावनी थी, आज जितनी शांत लग रही है कल ये उतनी ही डरावनी और डरा रही थी, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा थी जो जिनके सर पर एक तरह से ये कहें कि खून सवार था, जो हर चीज़ को जला देने के पर आमादा थे, हर चीज़ को तहस नहस करने पर आमादा थे और सड़क पर बिखरी ये निशानियाँ अपने आप उस हैवानियत की कहानियां बयां कर रही हैं कि आखिर क्या हैवानियत उस दौरान, क्या माहौल उस दौरान रहा होगा,
कैसे लोग जो हैं, जो इस पूरे दहशत के माहौल को झेल रहे थे, देख रहे थे, वो किस तरीके से अपने जिंदगी बचाने के लिए हर जद्दोजहद कर रहे होंगे, किस तरीके से लगातार प्रशासन की तरफ नजर कर रहे होंगे कि कोई आए और उन्हें बचाए। और ये पूरे इलाके में दर्जनों गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई थी, क्योंकि खुद ये पूरा जो शोभा यात्रा यहाँ पहुंची थी, 2500 से 3000 लोग उसमें शामिल थे। वो शोभा यात्रा यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर जो मल्हड़ महादेव का मंदिर है वहीं पर गई, और उस दौरान यहाँ पर कई गाड़ियां पार्क थी, उन पर लगातार हमले हुए, उनके गाड़ियों को तोड़ा गया, और केवल तोड़ने से ही दिल नहीं भरा, उसके बाद आगजनी की गई। करीब 200 मीटर का इलाका पूरी सड़क का ऐसा नजर आ रहा है जिस पर केवल और केवल जो भी गाड़ी मौजूद थी उसमें आगजनी की गई, उसे आग लगाकर पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। और अब फिलहाल यहाँ की तस्वीर शांत नजर जरूर आ रही है, लेकिन डरा जरूर रही है कि तस्वीर कितनी भयानक थी। जमसन कलिकांत के साथ विमल कौशिक, News24 नू मेवात। हरियाणा के नू में जो सांप्रदायिकता की आग लगी उसकी चिंगारी यहीं से भड़की थी। ये नल्हड़ चौक है जहां से इस पूरी हिंसा की शुरुआत हुई थी। दरअसल जो शोभा यात्रा यहां से निकल रही थी, जिसको नल्हड़ महादेव के जो मंदिर है यहां से करीब 2 किलोमीटर दूर वहां तक जाना था, उसी दौरान जब शोभा यात्रा यहाँ से गुजर रही थी तो उस पर पथराव शुरू हुआ। देखिए अभी तक यहाँ पर निशानियाँ पड़ी हुई हैं, और यहाँ पर फिर उसके बाद हिंसा इतनी भड़की कि उसके बाद वो चिंगारी सोहना में भी पहुँची। सोहना में भी कई दुकानों को आग लगाई गई, कई गाड़ियों में आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई। जो मेन मार्केट है नूह की, वहां पर भी तोड़फोड़ की गई, वहां पर भी गाड़ियों में आगजनी की गई। देखिए यहां पर अभी भी निशानियां पड़ी हुई हैं, किस तरीके से जो सड़क किनारे स्ट्रक्चर थे, जो बेंच लगे हुए थे, वहां पर भी है। घरों में तोड़फोड़ की गई है। क्या आपके घर में भी तोड़फोड़ की गई है? आप यही रहते हैं इस इलाके में? अच्छा, कहाँ है आपका घर? वो रथामनाग है। अच्छा, आगे चलिए, आप मैं दिखाता। किसने की तोड़फोड़, कौन लोग थे ऊपर? वो आए थे, वो जो भीड़ आई थी पीछे से भीड़ आई थी। रिजक होटल का शीशा तोड़ दिया सारा, एक सचिन की दुकान है उसकी तोड़ दी, एक रेजर है उसका तोड़ दिया, लूट। कितने बजे की घटना है लगभग? ये घटना है जी करीब 1-2 बजे की थी। 2 बजे के आसपास जी। तो शोभा यात्रा यहाँ से गुजर रही थी, उस पर हमला किया था? शोभा यात्रा यहाँ से गई थी जब कुछ नहीं था, सीधी जब उधर से मंदिर की तरफ आई, जब यहाँ इकट्ठे हुए थे, जब दंगा हुआ था। अच्छा, शोभा यात्रा जब लौट रही थी, लौट रही थी। शोभा यात्रा पर अटैक हुआ था? हाँ जी। बिल्कुल, देखिए घरों में भी तोड़फोड़ की गई, पथराव हुआ, तो दोनों तरफ से जो लोग हैं वो अपने अपने तर्क दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, कुछ लोगों का कहना है कि शोभा यात्रा वालों ने पथराव किया। हालांकि अब पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है, लेकिन देखिए दूसरी तरफ सड़क के किनारे अभी भी आपको लाठी डंडे पड़े हुए दिख रहे होंगे, कांच के बॉटल्स दिख रही होंगी, पत्थर दिख रहे होंगे। लेकिन ये वो जगह है नल्हड़ चौक जहाँ से इस पूरी हिंसा की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले जब शोभा यात्रा यहाँ पहुँची थी तो यहीं से पूरे झगड़े की शुरुआत हुई। दरअसल अब पुलिस भी इस बात को मान रही है कि एक अफवाह कहें या फिर एक वीडियो वायरल हुआ था मोनू मानेसर का, जो गोरक्षा दल से जुड़ा हुआ है, और मोनू मानेसर वो शख्स है जिस पर राजस्थान में एक डबल मर्डर का केस है, वो आरोपी है उस मामले में। उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये कहते हुए वो सुनाई दे रहा था कि वो बाकायदा यहाँ पर इस शोभा यात्रा में शामिल होगा, जिसको लेकर यहाँ लोगों में रोष था इस बात को लेकर। हालांकि पुलिस पर भी सवाल उठता है कि जब इस तरह का वीडियो वायरल हुआ तो आखिर पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे पूरे रूट में? देखिए यहाँ पर ये साफ तौर पर ये जले हुए टुकड़े बता रहे हैं कि यहाँ पर भी आगजनी की गई है, दुकान पूरी की पूरी पूरी तरह से तोड़ दी गई, ये होटल है देखिए होटल में जबरदस्त तोड़फोड़ की गई, ये यहाँ पर भी साफ तौर पर निशानियाँ नजर आ रही हैं। और ये नल्हड़ चौक का इलाका है जहाँ से इस पूरी हिंसा की शुरुआत हुई, जिसके बाद भड़कते भड़कते जो भीड़ है एक तरह से उधर जो नल्हड़ महादेव का मंदिर है वहाँ तक पहुँची एक भीड़ ने, उसके बाद जो नू चौक है वहाँ पर उपद्रव किया, एक भीड़ ने सोहना में उपद्रव किया, तो ये पूरी चिंगारी ऐसे ही भड़कते चली गई। हालांकि अब पूरे इलाके में अगर बात करें तो फिलहाल शांति है, स्थिति कंट्रोल में है, पुलिस लगातार इलाके में गश्त कर रही है। देखिए सामने भी मकान है जिनमें तोड़फोड़ की गई, सामने की तस्वीरें भी दिख रही हैं, और देखिए इलाके में अभी भी लगातार पुलिस जो है वो जगह जगह गश्त कर रही है, हर जगह पर नज़र रख रही है। साथ ही साथ जो तमाम लोग हैं, दोनों पक्षों से जुड़े हुए लोग हैं,
उनसे भी लगातार पुलिस संपर्क कर रही है और दोनों पक्षों से यही अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें, किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। लगातार संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त कर रही है और लोगों से तमाम जानकारी हासिल कर रही है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में अब उन लोगों की पहचान बहुत ज़रूरी है जो इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार है। और जाहिर तौर पर सवाल पुलिस प्रशासन पर भी उठ रहे हैं कि कैसे उन्होंने इस एक बड़ी शोभा यात्रा के दौरान इतनी लापरवाही की, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे, क्यों प्रॉपर इंटेलिजेंस इनपुट्स नहीं मिल पाए, क्यों पुलिस को ये जानकारी नहीं मिल पाई कि कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है, कहीं कोई भीड़ इकट्ठा हो रही है, कहीं कुछ प्लानिंग चल रही है। कमिश्नर कलिकांत के साथ कौशिक, News24 नूह, मेवात, हरियाणा। सांप्रदायिकता की हिंसा और आग कितनी खतरनाक होती है उसकी तस्वीर ठीक नल्हड़ चौक पर नजर आएगी। ये नू का इलाका है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई, लेकिन मेरे साथ ये विकास गर्ग हैं, ये इनकी दुकान है, ये साथ में होटल है अमन खान का। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, खुद ये तस्वीर बता देगी कि सांप्रदायिकता किसी के लिए सगी नहीं है, किसी के लिए अच्छी नहीं। साथ में जो अमन खान है उनका होटल है और उनके साथ में ये विकास गर्ग की दुकान है, लेकिन दंगाइयों ने दोनों को ही आग लगाने की कोशिश की और दोनों में ही तोड़फोड़ की। क्या आप ये बताइए कितने बजे घटना, कितने लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुंची थी? सर ये तकरीबन 3 बजे के करीब है, हम क्योंकि दुकान बढ़ा के हम चले गए थे लोगों को लगाकर, तो उसके बाद यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी जिन्होंने हमारा शटर वटर तोड़ के जब लूटपाट करी है अंदर से। तो मतलब दुकान बंद क्यों करके गए थे, क्या आपको पहले से या पुलिस ने कहा? नहीं नहीं, इसलिए हमने बंद करा था क्योंकि पहले यहाँ दंगा स्टार्ट हुआ था, तो उससे पहले हम दुकान बंद करके चले गए यहाँ से। अच्छा, यहाँ झगड़ा शुरू हो चुका था? हाँ जी। वो झगड़ा किस टाइम शुरू हुआ होगा? सर मैं तो कल खाटू श्याम था, इस बात का तो मुझे पता नहीं है, पर पीछे से दुकान के वर्कर थे तो उन्होंने पीछे से बंद कर दिया कि भाई साहब ऐसे ऐसे यहाँ पर झगड़ा हो रहा है तो हम दुकान को बढ़ा रहे हैं। मैं ठीक है, आप दुकान को बंद करिए, आप अपने अपने कमरे पे पहुंचिए और आप सेफ रहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर जान माल को बस हानि नहीं होनी चाहिए, अगर नुकसान होता है तो दुकान में कोई दिक्कत नहीं है इस चीज के बारे में। तो क्या नुकसान हुआ, दुकान लूटी गई है? पूरा दुकान लूटा गया है इसमें, पूरा दुकान। एक कहते 7.5 लाख रुपए थे हमारे, मैं उसको यहीं रख के गया था क्योंकि मुझे कल चंडीगढ़ जाना था किसी काम वश, जो कि मैं कल खाटू श्याम चला गया था उस वजह से मेरा चंडीगढ़ का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो मैं यहाँ पे 7.5 लाख रुपए रख के गया था, जो कि मुझे आके मैंने देखा तो 7.5 लाख रुपए भी नहीं मिले। पूरा शीशा वीसा सारा LED वगैरह कैमरा वैमरा सब चीज मेरा तोड़ा हुआ है, अंदर आप चल के देखिए एक बार। बिल्कुल देखिए, पूरी दुकान में जबरदस्त जो है वो तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है, सारा सामान यहाँ से उखाड़ दिया गया। यहाँ पर बाकायदा LED लगी हुई थी, देखिए फ्रिज, इसमें तोड़फोड़ की गई है, यहाँ देखिए कैमरे तक तोड़ दिए गए। यानी कि दुकान में काफी देर तक ये तमाम उत्पाद चलता रहा। भीड़ ने नाम देखकर, कहते हैं कि कुछ लोग के नाम देखकर घर जला जाते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों ही नाम नजर आ रहे हैं और उसके बावजूद आसपास जबरदस्त यहाँ पर तोड़फोड़ और आगजनी भी नजर आ रही है। तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि जब ये घटना हुई उस वक्त भीड़ का कोई चेहरा नहीं था, भीड़ का कोई धर्म नहीं था, भीड़ की कोई जात नहीं थी, केवल और केवल वो उनका मकसद था दंगा करना, हिंसा फैलाना और लोगों में दहशत फैलाना। कमिश्नर कलिकांत के साथ विमल कौशिक, News24 नूह, मेवात, हरियाणा। नूह में हिंसा भले ही नल्हड़ इलाके से शुरू हुई हो, लेकिन वो आग जगह जगह फैलती चली गई। और मैं इस वक्त नूह से करीब 15 से 20 किलोमीटर आगे बड़खली चौक पर हूँ। यहाँ पर भी देखिए आपको हिंसा की आग में झुलसे हुए पुलिस की गाड़ियाँ दिख रही होंगी। ये वज्र वाहन है, किस तरीके से इसको भी आग के हवाले किया गया। इस पूरे इलाके में भी ज़बरदस्त भीड़ ने तोड़फोड़ की, आगजनी की, और यहाँ पर भी जो तांडव था वो लगातार चलता रहा कई घंटे तक। फिलहाल यहाँ पर पुलिस की टीम तैनात है, पूरे नूह में फिलहाल धारा 144 लगी हुई है, पूरे नूह में और मेवात में जो है मार्केट्स को बंद रखा गया है, लेकिन कुछ लोगों की आवाजाही अभी चल रही है। मार्केट को पूरी तरह से बंद रखा गया, कुछ दुकानों को खोला गया है जो रोज़मर्रा की चीज़ें। और यहाँ पर भी देखिए आप, ये नगीना थाना का इलाका पड़ता है और यहाँ पर भी कंडीशन देखिए, सड़क पर जली हुई गाड़ियों के टुकड़े पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि जो वज्र वाहन है जो दंगों को नियंत्रण करने के लिए लाया जाता है, जिससे पानी की बौछार करके भीड़ को नियंत्रित किया जाता है, उसको भी आग के हवाले किया गया। तो यहाँ पर ये तस्वीर बता रही है, ये जो पूरा रास्ता है ये होटल की तरफ जाता है, वहाँ पर भी इस तरह की, क्योंकि लगातार अफवाहों का बाजार गर्म था, तो लिहाजा जहाँ जहाँ अफवाहें पहुँच रही थी, जहाँ जहाँ लोग भड़क रहे थे, वहाँ वहाँ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं। ये नगीना थाने का क्षेत्र पड़ता है और जो नल्हड़ इलाका है वहाँ से करीब
15 से 20 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर भी लोग बता रहे हैं कि आगे भी मार्केट है जहाँ पर दुकानों में आग लगाई गई है। तो यानी कि ये कहेंगे कि कल पूरा दिन भर जो ये पूरा क्षेत्र है नूह और मेवात का, यहाँ लगातार रह रहकर थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह की खबरें आती रही कि कहीं दुकान जलाई जा रही है, कहीं गाड़ियों को जलाया जा रहा है, कहीं दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही है, कहीं दुकानों में लूटपाट की जा रही है। हालांकि इस पूरी घटना में जो अब तक सरकारी आंकड़ों की बात करें, 3 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 2 होमगार्ड के जवान हैं जो शहीद हुए हैं, जो मेदांता अस्पताल में जिनके शव पड़े हुए हैं, जबकि एक जो है वो नूह में जो जिला अस्पताल है वहां पर उसका शव पड़ा हुआ है। फिलहाल अब पुलिस ने तमाम जो वीडियो जो CCTV फुटेज सामने आए उनके जरिए तमाम आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है और जल्द ही तमाम लोगों की धरपकड़ भी शुरू की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जहाँ ये दंगाइयों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जब एक वीडियो मोनू मानेसर का सामने आया था तो आखिरकार उसके बाद पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, और जो जानकारी आ रही है कि उसी वीडियो के सामने आने के बाद ये पूरी हिंसा की जो चिंगारी है वो पूरे नूह और मेवात को अपनी चपेट में लेती चली गई। कमिश्नर कलिकांत के साथ विमल कौशिक, News24, नूह मेवात हरियाणा। तो सांप्रदायिक हिंसा हुई या फैलाई गई, इन तमाम सवालों के जवाब हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको मिल गए होंगे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।